नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक और मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। आज हम आप पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में और हम जिस फार्म पे खड़े हैं इसका नाम है धनशी फार्म। इस फार्म का संचालन कर रहे हैं एक युवक जो विदेश से पढ़ाई करके लौटे, जी हाँ लंदन से पढ़ाई करके लौटे, और उन्होंने अपने पैतृक जमीन पर एक फार्म एस्टेब्लिश किया है जो कि HF गायों का है। तो आज उनसे बात करेंगे, जानेंगे उनकी सक्सेस स्टोरी, कैसे वो विदेश से पढ़कर भारत लौटे और उन्होंने इस फार्म का खोलने का मन बनाया। तो बहुत बहुत स्वागत है, एक बार अपना नाम बताइए और अपना परिचय दीजिए। नमस्कार अंकित जी, हमारे फार्म पे आने के लिए आज, मेरा नाम दुष्यंत भाटी है और हमने जो अपने मेरी जो एजुकेशन हुई है वो लंदन से मैंने MBA किया था ईयर 2012 में, और 14 में मैं वापस आया था। तो फोर्टीन में वापस आने के बाद मैंने फिर आके सर्च किया भाई क्या काम शुरू किया जाए, तो मेरे को फीलिंग आई कि भाई अपना काम करना चाहिए और जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स हैं जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, तो इसको शुरुआत किया जाए। तो उसी समय पे फिर कुछ गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह थी उनके तहत हम लोग का बेनिफिट लिया हमने और एक ये फार्म लगाया। तो इसका मन था हमारा, एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि भाई आप इंडिजीनियस ब्रीड्स पे काम कर सकते हो, एक क्रॉस ब्रीड पे काम कर सकते हो। तो हमारा ये था कि भाई गौशाला मॉडल में ना जा करके एक कॉमर्शियल डेयरी फार्मिंग करी जाए जो वर्ल्ड वाइड जिस लेवल पे चल रही है, जो मैंने एक्सपीरियंस वहाँ पे लिया या देखा, यूरोप में गया, लंदन में भी काफ़ी जगह मैंने ये फार्म्स देखे, हॉलैंड में देखे। तो फिर यहाँ पे एक कंपनी है वैंसन, उसके तहत हम लोगों ने एफी मिल्क की कंपनी, इसराइल की कंपनी है एफी मिल्क, उससे हमने इनका सॉफ्टवेयर वगैरह टाइप वगैरह किया। तो वहाँ से फिर ये टोटल ऑटोमाइजेशन में हमारा फार्म है जिसमें हमारे पास अभी 110 काउज हैं और इसकी जो कैपेसिटी हम ले सकते हैं वो 200 काउज तक है। तो इसका जो ग्रीन फॉर्डर है वो भी हम अपने ही लगाते हैं, 14 एकड़ लैंड है हमारे पास यहाँ, और टोटली ऑटोमाइजेशन में प्लांट है जिसमें कि आप विदाउट हैंड टच फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब मिल्किंग यहाँ से शुरू होगी और टिल पैकेजिंग, कोई भी आदमी दूध को हाथ नहीं लगा सकता। तो ये फिर हमारा कॉन्सेप्ट आया, फिर 2016 में इसकी स्टार्टिंग हुई कंस्ट्रक्शन की, और 17 और 18 में इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद 18 में हम गाय लेकर के आए थे। तो 2018 मार्च में फिर हम लोगों ने इसको कॉन्सेप्ट शुरू किया, फिर काफ़ी उसमें हर्डल्स भी आए, काफ़ी चीज़ों को हमने कोशिश करी, फिर मैंने सीखा। तो 2018-19-20 में फिर कोविड आ गया, आपको पता है। तो कोविड में फिर हम लोगों ने इसको और डीपली थोड़ा सा काम किया कि भाई कैसे इनकी ब्रीडिंग कर सकते हैं, कैसे इसको कॉमर्शलाइज करके वैलिड कर सकते हैं। अभी हमारे जैसे 400 कस्टमर्स हैं जो हम जिनको ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अंदर, और उनको हम मिल्क बॉटल में अपना और घी पनीर ये तीन चीज़ें हम लोग उनको सप्लाई करवा रहे हैं। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि जो हमारे देश में जो डेयरी फार्म का संचालन होता है मैनुअली सब करते हैं, हाथों से सब चीज़ें होती हैं अधिकांश, लेकिन जब आप ऑटोमेशन पे आए तो ये काफ़ी नया नहीं था यहाँ के वर्कर्स के लिए या यहाँ के लोगों के लिए, क्या इसको आपको एक्सेप्ट करने में समय लगा, कुछ परेशानी आई आपको? देखिए, जो हेल्थ वाइज थी और एक एनिमल की जो हैबिट्स हैं उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा टाइम लगा, बट लेकिन ये इस तरीके के कॉन्सेप्ट कुछ फार्म्स में पंजाब में चल रहे हैं, हरियाणा में चल रहे हैं, एक दो UP में भी हैं, कानपुर साइड जो जिन्होंने बड़े लेवल पे काम किया है। तो हमारा भी उद्देश्य यही था कि इसको बड़े लेवल पे ऑटोमाइजेशन में ले जा करके, तो कुछ बच्चों की ट्रेनिंग वहाँ पे करवाई हमने, मैं गया, मैंने ट्रेनिंग ली वहाँ पे, कुछ जो फॉरेन जो जैसे फार्म मैनेजर वगैरह थे एफी मिल्क से वो लोग आए, उन्होंने हमें यहाँ पे ट्रेनिंग दी। वैंसन का बहुत सहयोग हमें रहा, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी कि भाई कैसे इसको बढ़ा सकते हैं आगे। तो ऐसे ही हम लोगों ने फिर पूरा इसको ऑटोमाइजेशन में ले जा करके फिर ब्रीडिंग वगैरह शुरू करी साथ में, कुछ जो जो हमारे स्टाफ था उसको हमने पंजाब भेजा कुछ फार्म्स पे, तो वहाँ से इस फिर हमने इसको पूरा एस्टेब्लिश करवाया। डेयरी फार्म का जो संचालन करते हैं, चाहे वो देसी का करें, चाहे HF का करें, चाहे जर्सी का करें, उनके सामने समस्या आती है कि जो दूध है उसका सही रेट नहीं मिलता, अगर मिल जाता है तब भी उनका फार्म लॉस में रहता है क्योंकि वो मिल्क पे डिपेंडेंट रहते हैं। तो आपने ऐसा कुछ क्या कुछ किया, क्योंकि आज आप बता रहे हैं कि आपकी एक सक्सेस स्टोरी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं किसान तक के माध्यम से, तो आपने क्या इसमें वैल्यू ऐड करे प्रोडक्ट्स में जिससे कि आप आज प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर आगे इसको रन कर रहे हैं? अंकित जी, जैसे आपने क्वेश्चन किया तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने पहले इनिशियली डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट किया। तो उसको क्या है कि आज की डेट में अच्छा दूध, जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी के मिले, तो 2022 तक हम लोगों ने इस चीज़ पे फोकस किया, बट हमें उतने मार्जिन्स नहीं मिल रहे थे टू सस्टेन दी फार्म, और एनिमल्स के जितना खाना पीना, उनकी मेडिसिन कॉस्ट, AI, उनकी वैक्सीनेशंस, जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं मेडिसिन के थ्रू वेटनरी में, वो सारे हमने कंप्लीट किए। उसमें तो हमारी कॉस्ट आ रही थी सारी, बट फिर ये महसूस हुआ कि भाई इसके साथ हम लोग
और भी एडवांस कर सकते हैं, जैसे स्वीट्स बना सकते हैं हम लोग, दही पनीर छाछ तो रेस्टोरेंट्स अपने बनाए। तो ये हमने 2022 में एक और शुरुआत करी कि भाई जितने हमारे मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स तो है ही, तो उसके साथ साथ स्वीट्स को भी हमने लॉन्च किया। तो हमारा आउटलेट है ग्रेटर नोएडा में ही, कासना में, सिग्मा 3 सेक्टर पड़ता है, वो धनश्री के नाम से है। उसमें आपको टोटली मतलब स्वीट्स भी मिलेंगी और जितना भी रेस्टोरेंट है, मतलब साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, क्वांटी और इस तरीके के सारा फूड, पूरा एक फूड जॉइंट आपको वहाँ पे मिलेगा, जिसमें कि एक ही उसके नीचे आपको स्वीट्स भी मिलेंगी और वो टोटली काओ का है। अभी हम बफलो का भी लेकर के आ रहे हैं, तो वो भी एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो जैसे सस्टेनेबिलिटी की आपने बात करी, भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमने इनके लिए वर्मी कंपोस्ट की अपने 42 बेड्स इसी साल लगाए हैं, तो वो भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं। तो उसको भी हम बेस्ट ऑफ द मार्केट्स में ले जाना चाहते हैं विद आर पैकेजिंग, धनश्री के नाम से ही। फिर हम लोग अभी मोबाइल ऐप्स और जितने भी ई कॉमर्स की साइट्स हैं उन पे भी हम लोग अवेलेबल हो जाएंगे विद इन 2 मंथ्स। तो जितना भी हम कंज्यूमर को रीच कर पाएं, तो हमें क्या है कि डायरेक्टली कंज्यूमर के पास जाना ही पड़ेगा, बिकॉज मार्केट में जो मिडिलमैन हैं उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आपको अपने ही मॉडल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ दुष्यंत भाटी जी, जो कि ग्रेटर नोएडा में धनश्री फार्म का संचालन कर रहे हैं। इन्होंने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, इनकी अपनी एक सक्सेस स्टोरी है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आएगी, आपके इनके अनुभव से कुछ सीखेंगे और इस तरीके के फार्म अगर आप खोलना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक। अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारे चैनल की सारी ताजा अपडेट मिलती रहे। खेती किसानी की अन्य खबरें पढ़ने के लिए आप kisantak.in पे भी जा सकते हैं। धन्यवाद। हमसे है दुनिया, हमें कुछ करके दिखाना है। मिट्टी मेरी, सेहत मेरी, खेती का नया जमाना है किसान तक। खाना है तो उगाना है।